छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वहीं तमाम पार्टियों के द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। दुर्ग जिले के ग्राम मुड़मुड़ा में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता को उछालने वाला बताया। अमित जोगी ने कहा कि दोनों पार्टियों का फैसला दिल्ली में तय होते हैं, यदि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो सारे फैसले छत्तीसगढ़ की जनता के बीच होंगे। वहीं अमित जोगी ने 10 कदम गरीबी खत्म का नारा देते हुए चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर दी, जिसमें छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी ने शपथ पत्र देकर जनता के बीच जाने की बातें कही। सबसे महत्वपूर्ण वादे में जोगी कांग्रेस ने मैदानी इलाकों में पूर्ण शराबबंदी के साथ साथ शराब दुकानों की जगह अमूल दूध संघ की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में निवेश कर दूध प्रोसेसिंग प्लांट के साथ दूध दुकान खोलने की घोषणा की गई। अमित जोगी ने भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्रों को जनता को ठगने वाला बताते हुए कहा कि यदि हम शपथ पत्र में लिख कर जनता के बीच जा रहे तो यह पार्टियां भी जाए, यह इसलिए नहीं जाते क्योंकि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। 15 साल हम लोगों ने भाजपा को अवसर देख के देखी, 5 साल कांग्रेस को मौका दिया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। ये दोनों जो राष्ट्रीय दल है, चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों में प्रतियोगिता चल रही है कि कौन भ्रष्टाचार में आगे होगा, कौन लूट में आगे होगा। इसलिए आज कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ में अब क्षेत्रीय दल की सरकार बने, जो जोगी पार्टी है और जो बाकी दोनों पार्टियां, उनमें फर्क क्या है। केवल एक ही फर्क है कि उनका हाईकमान दिल्ली में है, लेकिन मेरा हाईकमान छत्तीसगढ़ की जनता है। मुझे ना मोदी जी से पूछना है, ना राहुल जी से पूछना है, जो मैं बोल रहा हूँ केवल बोल नहीं रहा हूँ, एफिडेविट में शपथ पत्र में लिख के दे रहा हूँ। अगर नहीं कर पाऊंगा तो फिर मेरे ऊपर आप मुकदमा करिए, 2 साल के लिए जेल तक भेज सकते हैं। पर मेरी लड़ाई इस बार ना तो भाजपा से है ना कांग्रेस से है, मेरी लड़ाई, अमित जोगी की लड़ाई गरीबी से है। गरीबी के नासूर को छत्तीसगढ़ से हमेशा हमेशा के लिए मिटाना, ये मेरा एकमात्र उद्देश्य है। मैंने बोला है शपथ पत्र में मैं 10 कदम लूंगा और छत्तीसगढ़ में गरीबी को जड़ से खत्म करूंगा। इसमें पहला जो मेरा कदम है गरीबी को खत्म करने के लिए, किसानों को 4,000 रुपया धान का समर्थन मूल्य और 10,000 रुपया इनपुट कॉस्ट प्रति एकड़ प्रति वर्ष मैं दूंगा। किसानों के लिए बिजली फ्री में दूंगा। आज किसानों को 5.5 रुपया देना पड़ रहा है, जबकि उद्योगपतियों से ये केवल 3 रुपया ले रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। पहला अधिकार यहाँ पे हमारी जो निशान है वो किसान छाप है, हल चलाता किसान, ये हमारा निशान है। तो मेरी सरकार जो है पहले किसानों का ख्याल रखेगी, बिजली बिल पूरा हम लोग फ्री कर देंगे किसानों के लिए। इस प्रकार से हमने 10 कदम लेने का निर्णय लिया है, जिससे कि हम गरीबी को जड़ से खत्म करेंगे। पेंशन गरीबों के लिए चालू करी थी 350 रुपया, 22 साल हो गए, महंगाई कहाँ तक बढ़ गई, 20 गुना तो बढ़ी गई है, लेकिन पेंशन जस की तस है। मेरी सरकार गरीबों को 3,000 रुपया पेंशन देगी, ये मेरा तीसरा कदम है। इस प्रकार से 10 कदम है। अगले 15 दिनों में अमित जोगी का शपथ पत्र छत्तीसगढ़ के हर घर में, हर परिवार में पहुंच जाएगा। और इस बार तय है, जो लोग ये सोचते थे कि जोगी की पार्टी खत्म हो गई है वो भ्रम में जी रहे हैं, अभी जोगी जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।